हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल पी डी एक्सप्लोरर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल बाइक के जो ऑयल का लुब्रिकेशन सिस्टम है इसके बारे में। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने इसका साइड कवर निकाल लिया है और सबसे पहले हमें क्लच और बैलेंसर गियर खोल लेना होगा। तो ये मैंने बैलेंसर को खोल लिया है, इसके अंदर में गैसकेट लगा हुआ जाता है। अगर आपका गैसकेट फट गया तो आप जैसे चेंज कर लेना, और यह थोड़ा सा लगा हुआ है। तो ये जो है, ये कई कई लोग इसको बैलेंसर गियर या सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम है फिल्टर करना ऑयल को। तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक पेचकस लेंगे और यहाँ पे ये जो साइड है यहाँ पे थोड़ा सा रब करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना, ये इंजन का अंदर का जितना भी पिनियन का मेटल पार्ट है जो घिसता है अंदर में, क्लच क्लच का जो शूएं रहती हैं वो सब घिसता है, वो यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लच कवर को और क्लच को निकाल लेते हैं। तो मैंने क्लच को निकाल लिया है और ये है इसका ऑयल पंप। ये बेसिकली तीनों बोल्ट से टिका हुआ रहता है, ये तीनों बोल्ट से, और ये यहाँ पे डाउल की मदद से लगा हुआ रहता है। तो मैं सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इसको बात निकल के बाद बता रहा हूँ। तो ये मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिए, इसमें डाउल में थोड़ा सा कचरा है इसलिए ये बाहर नहीं निकल रहा था। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कार्बन जम गया है, मैं बाहर नहीं निकल रहा था। तो मैं बाइक का लुब्रिकेशन सिस्टम में आपको पूरा समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए, इसके नीचे ये जाली लगा हुआ है, यहाँ से इंजन हमारा ऑयल को खींचता है, और ये जो होल है ये होल से क्रैंक में भेजता है। तो मैं दिखा देता हूँ। पहले ये जो जगह है यहाँ पे पूरा इंजन ऑयल से भरा हुआ रहता है ये, और हमेशा जब हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं तो ये चैम्बर मतलब नीचे से पूरा भरा हुआ रहता है। मैं दिखा देता हूँ ऑयल पंप को लगा कर। ये ऑयल पंप यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहता है, और ये जो इतना सा साइड है ये होल के नीचे तक पूरा ऑयल में डूबा हुआ रहता है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये है इसका क्लच कवर। यहाँ से वो जो हॉल में था, ये जो हॉल का वो ये जगह है, ये यहाँ से कनेक्ट रहता है। यहाँ से ऑयल जाता है यहाँ पे, जो हमारे क्रैंक के जो ये रॉड है यहाँ पे घुसता है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर की मदद से, ये कवर से यहाँ पे क्रैंक में ऑयल जाता है। तो उसके बाद यहाँ से क्रैंक से भी थोड़ा जाके ये थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ से इस ये वाला छोटा हॉल से निकलता है, और ये यहाँ से अंदर जाता है। ये दिख रहा है ना, ये नट का हॉल नहीं है दोस्तों, ये ऑयल का लुब्रिकेशन का जाने का है। ये देखिए, ये पाइप से वो गियर बॉक्स और जितने भी उधर में साइडें हैं, ये जो बैलेंसर गियर क्रैंक के उस साइड और हेड, ये सभी में ऑयल जाता है इससे। तो यहाँ से अंदर से पूरा होते हुए एकदम टैपेट के वाल के नीचे से तक पूरा ऑयल जाता है वहाँ से। तो गाड़ी का ऑयल लुब्रिकेशन का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो होप आप भाइयों को वीडियो देख के थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। अगर नॉलेज मिला है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, अगर आप अपने बाइक को प्रॉपर मेंटेन रखना चाहते हैं तो इंजन का जो ऑयल का चेंजिंग टाइम है उससे आप 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पहले इंजन का ऑयल चेंज कर लें, तो इससे इंजन का क्वालिटी भी बरकरार रहता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।